कोरिया जिले में सड़क पर बैठे मवेशियों से दुर्घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। बता दें कि हाल ही में ग्राम भाड़ी में तेज रफ्तार वाहन ने नेशनल हाईवे 43 पर बैठे गौवंशों को रौंद दिया, जिससे इस हादसे में करीब 5 गायों की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं 5 गंभीर रूप से घायल है। इस विषय की जानकारी मिलते ही शहर के गौ सेवक युवा मौके पर पहुंचे और घायल मवेशियों का इलाज कराया। जानकारी के अनुसार मृत मवेशियों को सड़क से हटाकर शुक्रवार को उन्हें दफन किया गया। वहीं शहर के गौ सेवक अनुराग दुबे ने कहा कि भाड़ी में देर रात हादसे में 5 गौवंशों की मौत की घटना विचलित करने वाली है। 5 गौवंश घायल हैं, जिनका इलाज पशु चिकित्सा विभाग द्वारा किया जा रहा है। जनपद पंचायत बैकुंठपुर के सीईओ ए पन्ना ने कहा कि हाईवे से पशुओं को हटाने के लिए अभियान चला रहे हैं। पंचायतों को भी इसे लेकर निर्देश दिया गया है। कोरिया से विशाल सिंह की रिपोर्ट। पशुधन की हानि होना बताया गया है, मैं स्पॉट पे तो नहीं गया हूँ, परंतु लगातार घुमंतू पशुओं को एनएस से हटाने के लिए लगातार मुहिम छेड़ी गई है और हमारे हॉट स्पॉट 9 है, लगातार वहाँ ग्राम पंचायत लेवल पर टीम बनाई गई है और जो विचरण कर रहे पशु को हटाने का काम किया जा रहा है। चूँकि वो किस समय का घटना हुई है, किसी ने इस प्रकार का घटना किया है, तो पूरी जानकारी हम प्राप्त करके आगे की जो कार्रवाई करेंगे और जब तक जन सहयोग नहीं मिलेगा तो इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति हो सकती है। मैं जन जागरूकता के लिए और ग्राम पंचायत स्तर पर लगातार मुनादी करा करके जन जागरूकता लाने का मैं प्रयास करूंगा। इस मैं अनुराग कुमार दुबे, गौ सेवक बैकुंठपुर, कल NH 43 खाड़ा भाड़ी रोड टोकला पेट्रोल पंप के पास एक गौवंशों का झुंड के ऊपर में कोई अज्ञात वाहन हाईवा ने उन गौवंशों के झुंड के ऊपर गाड़ी चढ़ा करके चल दिया। जब इसकी जानकारी पटना TI सर के द्वारा मुझे मिली तो बैकुंठपुर के गौ सेवकों के द्वारा उनको वहाँ भेजा गया है। जो रोड में एक्सीडेंट में गाय पड़ी हुई थी, घायल गाय उनको किनारे करवाया गया है। जो मृत गौवंश थी उनको रोड से किनारे करवाया गया है। आज सुबह पशु चिकित्सालय की पूरी टीम को ले जा करके जो घायल गौवंश थे उनका इलाज करवाया गया है और उनको तलवापारा गौठान में ला करके रखवाया गया है। और जो मृत गौवंश थे उन्हें हम गौ सेवकों के द्वारा एवं बैकुंठपुर की नगर पालिका की मदद से उन मृत 5 गौवंशों का अंतिम संस्कार करवाया गया है। प्रतिदिन तिल तिल करके बैकुंठपुर के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में एक्सीडेंट से गौवंशों की मौत हो रही है।